और अब मैं ना मेरे हाथों में ना थोड़ी थोड़ी सी ना ऐसे करके ना पेन भी हो रही है इस सारी जगहों पर और यहाँ पर पड़ता है उसके चक्कर से ना ये जगह थोड़ी सी ना पेन हो रही है और ये भी जगह पेन हो रही है मेरी ये वाली बाजू भी। हाँ जी गाइस यार आज का मौसम चेक करो कितना ही बढ़िया मौसम है और इसी चक्कर से ना मौसम के चक्कर से क्योंकि आज धूप बिल्कुल भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है और पसीना भी नहीं आ रहा। सो मैंने सोचा कि भैया इसको हम क्यों ना बाहर निकालें। वैसे भी गाइस देखो हर बंदे के पास ना या तो कोई ऐसी गाड़ी होती है या बाइक होती है को ना हर बंदा अपनी गाड़ी या अपनी बाइक को ना ताड़ता रहता है देखता रहता है मतलब कहने का। तो भैया मैं तो ना इसको जितना भी देखता हूँ ना उतना ही मेरे को कम लगता है क्योंकि भैया ये ना बहुत सही भागती है इसकी पावर बहुत बढ़िया वाली है। बस एक ही दिक्कत है कि भारी बहुत है। वैसे अगर ये गिर भी जाए ना तो कोई ज्यादा नुकसान वगैरह नहीं होगा क्योंकि ये पूरी की पूरी लोहे की बॉडी है। बट स्टिल गाइस ये बाइक बहुत ही बढ़िया है गाइस। सो इस पर चलते हैं फटाफट से एक राउंड मारकर आते हैं। वैसे मेरा आज का प्लान यही है गाइस कि देखो मौसम इतना बढ़िया है ना तो आज अपने सारे काम ना हम इसी के ऊपर करेंगे। वैसे मैं अपनी स्कूटी वगैरह निकालता हूँ डेली के डेली बट आज का सीन अपना यही है कि हम ना आज थोड़ा सा इसी पर ही मजे और मस्तियां मारेंगे। और भाई साहब अपनी बाइक जो है ना ये बहुत ही प्यारी है और इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो थोड़ी सी एवरेज के मामले में ना कम है क्योंकि इसकी ना एवरेज इतनी अच्छी नहीं है। हम जब भी इसको घर से लेकर निकलते हैं ना हमें ना पेट्रोल पंप तो जाना ही पड़ता है इसको मत्था टिकाने के लिए। ये कई बार तो ऐसा लगता है कि ये भैया पेट्रोल नहीं पीती है ये मेरा खून पीती है। मेरा खून पसीने की जो कमाई होती है ना वो मेरे को इसके अंदर डालनी पड़ती है क्योंकि इसकी ना एवरेज जो है ना वो एक अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से ना सिर्फ 20 के आसपास की एवरेज है इससे ज्यादा की एवरेज नहीं है। और जब बंदा इसके ऊपर बैठ जाता है ना तो भले मौसम जैसा मर्जी हो इसको जब हम चलाते हैं ना गाइस तो बहुत ही मजा आता है। और फिर उसके बाद ना बंदा ना इसको खींचते ही चला जाता है मतलब कि यार लंबे रूट में निकल जाता है। हाँ जी बाकी देखो आज का मौसम तो भैया बहुत ही बढ़िया है सो आज तो बाइक राइड करने का ना बहुत ही ज्यादा वाला मजा आएगा। बाइक राइड भी करेंगे और साथ के साथ ना अपने सारे के सारे काम भी निपटाएंगे। हाँ जी क्या कहते हो क्या कहते हो ऐसा ही होना चाहिए ना तो भैया ऐसा ही करेंगे हम। मॉनसून आने वाला है तो भाई साहब दिल्ली का वेदर टेम्परेचर हर चीज चेंज हो जाएगा और उसके बाद सर्दियां वगैरह भी आ जाएंगी फिर भाई साहब संडे राइड करने का ना और भी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि देखो अभी इस टाइम पे ना जैसे गर्मी होती है ना तो सुबह सुबह के टाइम पे तो निकल जाते हैं बट वापसी के टाइम पे तो गाइस भाई साहब बहुत गंदी तबाही वाली गर्मी होती है हालत खराब हो जाती है। मैं तो शुक्र करूंगा कि भैया फटाफट से ना गर्मी जाए और सर्दी आए। सर्दियां भाई साहब मेरे को बहुत सही लगती है बट गर्मियों में ना हालत खराब हो जाती है गाइस। मेरे को ना गर्मियां बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आप लोगों को पसंद है या नहीं पसंद मेरे को नहीं पता बट मेरे को तो भैया गर्मी बिल्कुल भी नहीं पसंद बिल्कुल भी नहीं पसंद। ऊपर से ना सर्दियों के अंदर ना भाई साहब कपड़ों की ना बहुत वैरायटी होती है पहनने के लिए। बंदा मतलब नीचे टी शर्ट पहन रहा है जैकेट पहन रहा है मतलब बड़ी सारी ना कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं उस टाइम पे सर्दियों के अंदर। बट गर्मियों में तो पसीना इतना आता है ना कि भैया कुछ पहनने का मन ही नहीं करता। बंदा कहता है यार ऐसे ही घूम लो यार नहीं बट देखो हम ऐसे तो कहीं घूम नहीं सकते हैं बट स्टिल अपने को यार गर्मी बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि पसीना बहुत आता है यार बहुत आता है और ऊपर से ना हम थोड़े से ना काले वाले भी हो जाते हैं तो इसके चक्कर से गर्मियां नहीं पसंद। हाँ जी जस्ट अभी भी एक चीज देखी मैंने कि देखो ये सामने दोनों जो लड़कियां स्कूटी पे जा रही हैं एक लड़की ने पीछे कुछ बैग पकड़ा हुआ है कुछ सप्लाई कोरियर सप्लाई वाला और आगे भी एक लड़की ने काफी सारा सामान देखो रखा हुआ है पैरों में भी एक कार्टन रखा हुआ है और अपने शोल्डर पे भी एक बैग को टांगा हुआ है। तो गाइस चेक कर रहे हो कि मतलब लड़कियां भी सही तरीके से ना मेहनत कर रही है बढ़िया है जी बढ़िया है। बंदे को ना खुद ही मेहनत करना आ जाना चाहिए सो देट की ना यार बाद में किसी के ऊपर ना डिपेंड ना होना पड़े। और वैसे भी यार जब आप घर से बाहर निकलोगे ना मेहनत करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ना आप एक रोज के रोज कुछ ना कुछ नया भी सीखोगे और साथ के साथ आपकी बॉडी भी नया स्ट्रांग हो जाएगी जो एक बहुत बढ़िया चीज है सो देट कि बंदा अपने ऊपर एक इंडिपेंडेंट हो सके है ना जी बढ़िया है जी बढ़िया। गाइस मैंने ना अपना एक काम इस साइड पर निपटाना था वो मैंने निपटा लिया। देखो कुछ चीजें नहीं काम से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है ना वो सारी की सारी चीजें ना मैं कैमरा पे नहीं रिकॉर्ड कर सकता बिकॉज मैं सच्ची बात बताऊँ मेरे ना पड़ोसी भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो मेरे पड़ोसी कहने का मतलब कि जो हमारे बिजनेस के रिलेटेडली जितने भी मेरे कॉम्पिटिटर मेरे पड़ोसी मेरे प्यार वाले मेरे फ्रेंड्स वाले सब लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं अपने बिजनेस की हर एक चीज को इस कैमरे पे रिकॉर्ड करके अगर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ना तो भाई साहब मेरे को कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस में मेरे को ऐसा लगता है कि नुकसान हो सकता है तो उसके चक्कर से ना यार मैं बहुत सारी चीजें जो मैं करता हूँ वो मैं अपने इस कैमरे पे रिकॉर्ड करके नहीं शेयर कर पाता बिकॉज देखो कुछ चीजों को ना प्राइवेट रखना ही पड़ता है ना जी। ओए होए क्या बाइक है जी क्या बाइक है
मतलब आवाज अच्छी नहीं है, बाइक की लुक तो बहुत प्यारी है और आवाज इतनी बढ़िया नहीं है। तो आवाज तो हमारी बाइक की बढ़िया है भाई। हाँ जी, हमारी बाइक की आवाज़ बहुत ही बढ़िया है। बाकी इसका ना एक स्पेशल एग्जॉस्ट बनने के लिए दिया हुआ है, एक मेरा फ्रेंड है वो एग्जॉस्ट वगैरह ही बनाता है, तो वो इसके लिए कुछ स्पेशल एग्जॉस्ट बना के दे रहा है और कह रहा है कि उस एग्जॉस्ट के ऊपर तेरा नाम भी मैं लिख दूंगा लेज़र कटिंग से। सो देखते हैं, अगर एग्जॉस्ट बनकर आ गया हमारे नाम का तो हम आपको दिखा देंगे, और नहीं आया तो फिर ना चुपचाप ना मार्केट में जाके ना ग्लोब का या गुरसेवक का ले आऊँगा एग्जॉस्ट। हाँ जी जी, बताऊँ ना तो मेरी इतनी हैबिट नहीं है बोलने की, बट जब कैमरा ऑन होता है ना फिर तो भैया देखो कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता है, और बोल बोल के ना मैंने ना अपने अंदर बहुत सारी वाली गलतियाँ भी फाइंड आउट करी है। जब हम एडिटिंग करते हैं ना तो उस टाइम पे हम अपनी सारी चीज़ों को ना ठीक कर देते हैं। देखो वो गलतियों के बारे में ना आप लोगों को तो नहीं पता लगेगा, बट मेरे को पता लग जाता है किस टाइम पर मैंने क्या गलत बोला है और क्या ठीक बोला है। तो ये सारी चीज़ों को ना हम देखते हैं जब हम एडिटिंग करते हैं। तो एडिटिंग से और यूट्यूब से ना भाई साहब मैंने बहुत ही कुछ सीखा है और बड़ा मजा आता है। बाकी रियल लाइफ के अंदर ना मैं इतना ना टॉकेटिव पर्सन नहीं हूँ जितना मैं कैमरे के सामने या कैमरे के साथ हो जाता हूँ, अदरवाइज तो यार मेरी ना मैं चुप ही रहता हूँ। सच्ची बताऊँ इस बाइक को ना मैं लास्ट आज सुबह से ना लाइक 2 घंटे से ऊपर हो चुकी है मेरे को उसको चलाते हुए, बिकॉज मैं साथ के साथ अपने काम भी निपटा रहा था ना। इस बाइक के अंदर ना अब मेरे को ना थोड़ी सी ना थकावट सी फील हो रही है इस टाइम पे। थकावट क्यों फील हो रही है? क्योंकि सामने से जो एयर का प्रेशर है, जो विंड ब्लास्ट है ना, वो बहुत ज्यादा वाली है। लाइक क्योंकि इससे पहले हम KTM चला रहे थे एडवेंचर, उसके अंदर ना एयर ब्लास्ट इतना नहीं था। सेकेंडली उसका जो सिटिंग पोस्चर था ना वो थोड़ा ऐसे वाला था ऊपर वाली साइड पे, उसके आगे ना विंड शील्ड भी लगी हुई थी, तो उसके चक्कर से ना विंड ब्लास्ट इतना ज्यादा ना हमारी बॉडी को ना नहीं हिट नहीं कर रहा था। बट इसके अंदर क्या है, हवा तो भाई साहब बहुत सही लग रही है, अच्छी भी लगती है जो हवा सामने से आके बाइक पे ऐसे सामने लगती है ना, बट उससे ना हमारी ना बॉडी ना थोड़ी थोड़ी करके ना थकना भी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी इस टाइम पे ना यही सब कुछ हो रहा है कि मैं बाइक काफी देर से चला रहा हूँ और अब मैं ना मेरे हाथों में ना थोड़ी थोड़ी सी ना ऐसे करके ना पेन भी हो रही है, क्योंकि भैया हम ऐसे करके बैठे हुए हैं। ये वाला जो सिटिंग स्टांस है थोड़ा सा स्पोर्टी वाला ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर इस सारी जगहों पर और यहाँ पर पड़ता है, उसके चक्कर से ना ये जगह थोड़ी सी ना पेन हो रही है और ये भी जगह पेन हो रही है मेरी, ये वाली बाजू भी। बाकी पेट्रोल खत्म हो रहा है और यहाँ पर पेट्रोल पंप आ रहा है, तो फटाफट से ना पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं भैया, नहीं तो वाट लग जाएगी। हाँ जी, और इसको तो भैया धक्का मारना भी ना बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत हैवी बाइक है और KTM वगैरह जो थी ना वो तो बहुत ही लाइट वेटेड बाइक थी, उसको तो धक्का मारना एक अलग चीज़ थी, बट इसको तो धक्का मारना भाई साहब मतलब एक तरीके से ना जिमिंग करने वाली बात है। अब कल सुबह मेरे को संडे राइड पे जाना है ना, तो उसके चक्कर से ना मैंने अभी ही इसके अंदर बाइक का ना टैंक फुल करवा दी है, सो दैट कि भाई साहब कल सुबह सुबह उठेंगे और आराम से संडे राइड वाली जगह पे जहाँ पे हमारा मीटअप होता है ना वहाँ पर पहुँच जाएंगे। हाँ जी, तो हमने कल की तैयारी आज ही कर ली है जी। अभी का तो सीन हमारा यही है कि हम जा रहे हैं करोलबाग वाली मार्केट वाली साइड पे, बिकॉज वहाँ से ना एकदम मेरे को अपने भी काम है और साथ के साथ ना ये वाला जो मिरर है ना ये अपने आप ही नीचे आ जाता है, तो जरा इसको भी ठीक करवाएंगे। ये देखो ये फिक्स है, बट ये वाले भाई साहब अपने आप नीचे आ जाते हैं। भाई साहब जब से बाइकिंग कल्चर के अंदर आए हैं ना तब से इस मार्केट के अंदर तो भैया ऐसे आना होता है जैसे कि हम क्या ही बताएं, मतलब ऑलमोस्ट महीने के ना 2 से 3 चक्कर ना इस मार्केट के ना लग ही जाते हैं। कभी कुछ सामान लेना होता है, कभी कुछ करना होता है, कभी कुछ करना होता है। बाकी देखो काम तो हमने वहीं से करवाना होता है जहाँ से अपने को ना समझ में आता है कि भैया हाँ यहाँ से ये काम ठीक हो रहा है और वहाँ से वो काम ठीक हो रहा है। जूते बच जाते हैं, नहीं तो ना जूते जो गर्म गर्म सिलेंसर पे जब जूते लगते हैं ना तो जूते खराब होना शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ हो चुका है एक्सपेरिमेंट। ये खड़ी अपनी बाइक के पीछे थोड़ा बहुत सामान वगैरह लोडेड है, बिकॉज कुछ सामान वगैरह लिया मैंने यहाँ से, और यहाँ पी रहे हैं हम शिकंजवी। शिकंजवी कहाँ से पी रहे हैं? इस दुकान से। ये दुकान बहुत ही पुरानी है, 1960 की दुकान है और बहुत सही शिकंजी बनाते हैं, साफ़ सुथरी शिकंजी बनाते हैं, आरओ वाटर वाली। अब मैं करोलबाग वाली साइड पर आया था, सो मैंने सोचा कि भैया यहाँ पे सरदार जी की शिकंजी पी के चलते हैं, क्योंकि इनकी शिकंजी ना आरओ वाटर वाली होती है, साफ़ सुथरा पानी होता है, तो बढ़िया हम शिकंजी पीते हैं। और यहाँ खड़ी अपनी बाइक पर थोड़ा सा ना सामान लोड है जो सामान हमने यहाँ से लिया था।
हाँ जी, जो अपना काम करना था अपना काम वगैरह भी हमने यहाँ से कर लिया है साथ के साथ। ये वाला जो मिरर मैंने टाइट करवाना था इसको भी टाइट करवा लिया है। मेरे को ना पहले लगता था कि इस मिरर में ना पीछे कुछ जंग से दिखाई नहीं देगा, बट नहीं नहीं नहीं, पीछे प्रॉपर सही तरीके से दिखाई देता है और वाइड एंगल में दिखता है। सो मैं भैया बहुत ज्यादा वाला खुश हूँ इन मिरर से। बाकी काम खत्म हो गया मेरा यहाँ का और मैंने यहाँ से शिकंजी भी पी ली है, जो सरदार जी की शिकंजी है ना। इनकी जो स्टोरी है ना, इनकी स्टोरी ये है कि पहले ना वहाँ पे सामने चौक पे एक रेडी पे शिकंजी बेचा करते थे, बट बेचते 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 बाबा जी ने ऐसी कृपा करी कि इन्होंने अपनी दुकान ले ली है। बट जो मेन मालिक थे सरदार जी वो तो नहीं रहे हैं, उनका बेटा वगैरह है, बट वो भी कम ही बैठता है। ताकि ओवरऑल इनकी शिकंजी का फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ी खट्टी खट्टी थोड़ी मसाले वाली शिकंजी है। हर किसी को पसंद शायद ना आए, बट मेरे को अच्छी लगती है, मेरे को अच्छी इसी करके लगती है क्योंकि ना ये लोग पानी वगैरह बिल्कुल साफ सुथरा और सफाई से बनाते हैं। एंड अब अपने राइट पे है गुरुद्वारा बंगला साहिब। सो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे गुरु नानक, सब ते कृपा करना, सब ते कृपा करना। आज हम जो भी कुछ है ना और हमारे पास जो भी कुछ है ना, वो सब के पीछे बाबा जी का हाथ ही है। मतलब हम कहते हैं ना कि यार हम मेहनत कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। हम बेसिकली ना कुछ भी कर लें, जब तक बाबा जी की कृपा नहीं होती ना, हमारे कामों में बरकत पड़ी नहीं सकती जब तक बाबा जी की कृपा नहीं है। जब हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें, हम कामयाब नहीं हो सकते। जी एक चीज़ मैंने ना नोटिस करी है, सुबह से इस बाइक को चला रहा हूँ ना तो थोड़ी सी थकावट वगैरह हो गई है, क्योंकि पहले तो ना रोड के ऊपर विंड ब्लास्ट वगैरह वाला इशू था क्योंकि काफ़ी देर से चला रहे थे हम लोग, और अभी ना यहाँ पीछे ट्रैफिक में फंसा हुआ था। वहाँ की ना मैंने ना वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाई, तो मैंने कहा ट्रैफिक वगैरह का क्या ही दिखाऊँ। बट ना ये चीज़ बता रहा था कि भैया बार बार क्लच दबाना पड़ रहा है, ब्रेक लगानी पड़ रही है, बाइक रोकनी पड़ रही है, उससे ना बहुत ज़्यादा वाली थकावट हो रही है। KTM वाली मेरी बाइक थी ना, टूरिंग वाली बाइक एडवेंचर 390, उसके ना शॉकर्स और सस्पेंशन वगैरह ना बहुत सही थे, पता ही नहीं लगता था कि गड्ढों में से कैसे वो निकल जाती थी और फील जरा सा भी नहीं होता था। बट इसके सस्पेंशन शॉकर्स वगैरह ना बहुत ज्यादा हार्ड है और जहाँ पे थोड़ी सी रोड खराब होती है ना वहाँ पे इसके अंदर पूरा हमारा फील होता है। उसके अंदर ना वाइब्रेशन थी जब हम बाइक को भगाते थे टॉप स्पीड में, बट इसके अंदर वो वाइब्रेशन नहीं है। डेली यूज में भी ये बाइक ना कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है। या तो इसको आप लॉन्ग रूट पे ले जाओ या संडे राइड्स वगैरह के लिए ले जाओ, बट दिल्ली के जो एक लोकल ट्रैफिक है ना, इसके अंदर ना आज मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये बाइक ना बिल्कुल भी उसके कंपैरेटिवली कंफर्टेबल नहीं है। क्योंकि मेरे भैया इस टाइम पे ना हाथ भी दुख रहे हैं और मेरी साथ के साथ कमर भी दुख रही है। हाँ जी, क्योंकि आज काफी टाइम के बाद, या मैं कह सकता हूँ कि जब से ये बाइक ली है तब से पहली बार मैंने ये बाइक सुबह से लेकर अभी शाम तक चलाता हुआ आ रहा हूँ। और अगर आपको अभी टाइम बताऊँ ना तो शाम के 5:15 हो रहे हैं, मतलब मैं सुबह घर से निकला था अराउंड 11 बजे और अभी 5:15 हो रहे हैं। तो आप मतलब खुद ही आइडिया लगा लो कि हमने आज का अपना सारा काम इस बाइक के ऊपर किया और हम फील कर रहे हैं। चेक कर रहे हो मेरी आवाज भी डाउन हो गई है। से पहले मैं जिस दुकान पर गया था ना, वहाँ से मैं अपने लिए ना ये सेंटर फ्रेश की टेनिस बॉल शेप वाली च्युइंगम लेकर आया हूँ। भाई साहब हमने ये पहली बार देखी है इस शेप के अंदर। चेक करो जी, टेनिस बॉल इन च्युइंगम। ऑसम है ना, टेस्ट भी बहुत यम है भाई। मेरी बात सुन, इस लड़के के साथ ना ज्यादा नहीं रहना, ये ना भाई साहब हमारी दुकान का ना एक नंबर का बिगड़ा हुआ और लफंगा लड़का ये तो नियाती बदतमीज है। हाँ नियाती बदतमीज है, देख सुबह आते सारी ना यहाँ देख, चेक कर दे, ये देख यार, ये देख, मैं यही देख रहा था कि भाई ये सुबह सुबह आते सारी मोबाइल पे लग गया, मतलब ये क्या चक्कर गया। नहीं ये क्या चक्कर है यार, मतलब तू यार दिखाइयो जरा फोन, दिखा फोन दिखा, ये देख कॉल पे नहीं कॉल है। हाँ, तो घर से चार्ज नहीं करके आता फोन यार तू? चार्ज नहीं करता। नहीं क्या है, क्या है ये काम कर रहे थे फोन ते कोई? नहीं फोन ते काम कर रहा थी कभी, मतलब तू तेरा क्या फोन ते काम होता है यार ये गल। ऐ देख यार, ऐ देख खुल गई ना चैट। मैं ना जस्ट एक कुड़ी नू समझान आया सी कि भाई इस तो बच के रही, एदे ना ज्यादा कोल नहीं लगना है काफी। नहीं बट सारा दिन फोन ते क्यों लगा रहना है यार? मोबाइल पहले खोल के बह जाते यार, मोबाइल ना दिल शुरू होता है साडा यार। नहीं मेरा दिन शुरू होया मोबाइल नाल, असि ते व्लॉग व्लॉग बन रहे, व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं रिकॉर्ड करके पापा दिखावांगा। देखो बट यार जो भी है ये सुबह सुबह ना ये चीजें ठीक नहीं है भाई साहब,
सुबह सुबह मोबाइल मतलब शुरू हो गया तू यार। मैं तो फोटो के बाद नहीं है ऐश्वर्या ना है क्या ये भी भाई फोटो में ये भी आ रहा तुम्हारी यार इसको ले रहा हूँ ना ये आजकल इसको फोकस हट रहा है कछुओं पे से इसको बोलो ये अपने लिए भी डेली लास्टिक का ले गया वो उतर उतर के देता ये जो लड़का है ना हमारी दुकान पे पहले तो चेक करो पहले तो चेक करो कि ये ना भंडारे वाली पैंट पहन कर लंगर इकट्ठा करना है इसने जोगर सर गया है ना जोगर पैंट आई है समझ आ रही है भाई हमारे वहाँ पर तो ना मतलब हम तो ये शाही पनीर के लिए हाँ। तुम भी यही मांग रहे थे ये रायता के लिए हम तो जब मैं छोटा था ना तब मैं ऐसे वाले कपड़े पहन के जाता था भंडारा इकट्ठा करने बट अब मैंने ना ये वाले काम छोड़ दिए बट मैंने अब ये वाले काम छोड़ दिए क्या पूछा कितनी मैं भी लेके आऊंगा मैंने पूछा तो क्या बोल रहा था 600 रुपए की 1200 की दो 900 रुपए की एक 1200 की लाया समझ आ रही है तीन लड़वाए तो ना 1200 की दो लाया कभी बार 900 की लाया कभी 600 वैसे यार पेंट सही है यार 1200 रुपए की दो यार सही है यार क्या 1200 रुपए की 1200 रुपए की 1200 रुपए की तूने रात को दो बोला था वैसे मैं चेक कर रहा हूँ की लूज तो नहीं है अच्छा ओहो बट एक बात तो वैसे बताना ये भंडारे वाली बट एक बात बता पहले तूने ये भंडारे वाली पैंट क्यों पहनी हुई है भाई जोकर स्टाइल पैंट है ये भंडारे वाली पैंट नहीं है नगर कीर्तन नाके नहीं आया कल वाले कपड़े पहन के आ गया तू कल वाले कपड़े पहन कर आ गया अच्छा मैं कल दोबारा तेरे से पूछा था भाई लड़के ने पॉइंट पकड़ लिया लड़के ने पॉइंट पकड़ लिया हाँ जी कल तो भाई साहब इतनी ज्यादा वाली हालत खराब हो गई थी ना कि मैं वीडियो को एंड ही नहीं कर पाया। मैं बहुत ज्यादा वाला थक गया था इस बाइक को चला के बिकॉज यार ये बाइक ना बहुत ही ज्यादा एक तो हैवी है सेकेंडली इसके सस्पेंशन और शॉकर्स ना इतने कम्फर्टेबल नहीं है जैसे कि मेरी पहले एडवेंचर्स बाइक के थे। तो ओवरऑल ना इस बाइक को सारा दिन चला के ना मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि इस वाली बाइक को ना मैं डेली के अंदर रेगुलर यूज में बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता। या तो मैं इसके ऊपर संडे राइड्स वगैरह अटेंड कर सकता हूँ या मैं इसको ना लेके किसी लॉन्ग रूट वगैरह पे जा सकता हूँ वहां पर शायद ये मेरे को थोड़ा सा ना कंफर्टेबल रहे। मे भी हो सकता है कि इन फ्यूचर में मेरे को इसके ना हैंडल बार्स वगैरह ना चेंज करवाने पड़े उनको थोड़ा सा कम्फर्ट बनाने के लिए ना उनको थोड़ा सा ना उठाना पड़े तो मे भी हो सकता है कि शायद मैं वो काम करवा लूंगा इन फ्यूचर अगर मेरे को अपना कम्फर्ट देखना है। तो अगर लुक देखनी है तो मैं एज इट इज रखूंगा अदरवाइज कंफर्ट देखना है तो हैंडल बार वगैरह मैं ना बहुत जल्दी इसके चेंज करवा लूंगा। बाकी ओवरऑल ये बाइक बहुत अच्छी है कि ओवरऑल इस बाइक को चलाने में भगाने में बहुत ही मजा आता है बट इस बाइक के अंदर ना बस यही कमी है कि बाइक के शॉकर सस्पेंशन बहुत हार्ड है गड्ढे वगैरह आते हैं ना या ऑफ रोडिंग वगैरह वाली कोई जगह आती है ना तो पूरा का पूरा फील आता है कि भैया हमारी बाइक वहाँ से निकल रही है क्योंकि बहुत हार्ड वाला सिस्टम हो जाता है। देखो अगर आपको हमारी आज वाली वीडियो अच्छी लगी है ना तो फटाफट से उसको लाइक कर दो कमेंट करके अपनी अटेंडेंस लगा लो और अपनी राय भी दे दो कि आपका क्या कहना है इस बाइक को लेकर। बाकी देखो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग के अंदर तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू टू ऑल एंड लव यू बस इतना ही कहना चाहेंगे ठीक है। फटाफट से इस वीडियो को एंड करते हैं और घर जाके एडिट करके